आइए कुछ करके देखें। परावर्तन एक दृढ़ परिवर्तन है, क्यों? ग्रुप में चर्चा करके कारण सहित लिखें। रोड के एक तरफ बिजली का खंभा ई लगा है। खंभे की रोड से लंबवत दूरी 120 मीटर है। रोड को परावर्तन की रेखा मानकर खंभे का परावर्तन या रिफ्लेक्शन करें। अब बताएं कि परावर्तन के बाद रोड की दूसरी तरफ बने खंभे के प्रतिबिंब ई डैश के लंबवत दूरी एक्स कितनी होगी। तीसरा, घुमाव, रोटेशन। अब हम तीसरे तरीके के परिवर्तन पर चर्चा करते हैं। यहाँ चतुर्भुज PQRS को बिंदु R को केंद्र मानकर एक निश्चित माप के कोण में घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया गया है। यह क्रिया घुमाव या रोटेशन है। चित्र को देखिए और बताइए, क्या चतुर्भुज PQRS चतुर्भुज P-Q-R-S के सर्वांग सम है, यानी घुमाव एक दृढ़ परिवर्तन है। आपने मेले में ऐसे झूले देखे होंगे जो वृत्ताकार घूमते हैं। इसी तरह का एक झूला चित्र में दिखाया है। यहाँ झूला बिंदु O के सापेक्ष घूम रहा है, यानी बिंदु O घुमाव का केंद्र है। यहाँ घुमाव का केंद्र वस्तु के बाहर स्थित है। यदि हम घूमते हुए झूले को देखें तो हम पाएंगे कि वह एक वृत्ताकार पथ में बिंदु O के चारों ओर घूमता है। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि झूले पर स्थित कोई भी बिंदु A या बिंदु B भी वृत्ताकार पथ पर ही घूमेगा। घुमाव की प्रक्रिया पर एक नए उदाहरण द्वारा चर्चा करते हैं। चित्र 8 को देखिए। यह झंडे PQ को बिंदु O के आधार पर 30 अंश घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया है। यह घुमाव का केंद्र O बाहर स्थित है। ऐसी स्थिति में आकृति को 30 अंश घुमाने के लिए आकृति पर स्थित किसी बिंदु P अथवा Q से केंद्र O को जोड़ते हुए रेखा बनाएं। अब रेखा की लंबाई को स्थिर रखते हुए घड़ी की दिशा में 30 अंश का घुमाव करें। ध्यान दीजिए कि आकृति 30 अंश घूमी है, साथ ही आकृति पर स्थित बिंदु P और बिंदु Q में भी 30 अंश का घुमाव हुआ है। घुमाव की क्रिया करने के लिए तीन बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, घुमाव का केंद्र यानी सेंटर ऑफ रोटेशन, वह बिंदु जिसके आधार पर आकृति को घुमाएंगे। इस बिंदु की स्थिति आकृति पर या आकृति के बाहर भी हो सकती है। दूसरा, घुमाव की दिशा, जो कि घड़ी की सुई की दिशा के समान या घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होगी। तीसरा, घुमाव के कोण की माप, घुमाव का केंद्र और घुमाव की दिशा निर्धारित करने के साथ हमें तय करना होगा कि हम आकृति को कितने कोण से घुमाना चाहते हैं। अब हम दूसरे परिवर्तन, अदृढ़ परिवर्तन या नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें मूल आकृति परिवर्तित आकृति के सर्वांग सम न हो, जैसे स्केलिंग, जिसे हम बढ़ाना या घटाना कह सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को अदृढ़ परिवर्तन या नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ बने हुए छत्तीसगढ़ के दो नक्शों को देखें। दोनों नक्शों की आकृति समान है, जबकि आकार या साइज अलग अलग है। करके देखें, चित्र में घुमाव को देखें और दोनों चित्रों में हो रहे परिवर्तन के लिए निम्न प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दें। पहला, घुमाव के केंद्र बिंदु का नाम। दूसरा, केंद्र बिंदु की स्थिति आकृति पर या आकृति के बाहर। तीसरा, घुमाव की दिशा। और चौथा, घुमाव के कोण की माप, सममिति या सिमेट्री। यहां बनी कुछ आकृतियां देखें। यदि हम उन्हें ठीक आधे से मोड़ें तो दोनों ओर समान आकृतियां ही प्राप्त होंगी। इस तरह की आकृतियों को हम क्या कहते हैं और उस रेखा को क्या कहेंगे जिस पर आकृतियां ठीक आधे में विभाजित होती हैं? बच्चों, यह आकृतियां सममिति आकृतियां कहलाती हैं, और जो रेखा आकृतियों को ठीक दो हिस्सों में विभाजित करे उसे सममित रेखा या लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। रैखिक सममिति,
लीनियर सिमेट्री। हम आसपास की कुछ वस्तुओं में, इमारतों में, ज्यामितीय आकृतियों में, प्राकृतिक संरचनाओं में सममिति को पहचान सकते हैं। चित्र 10 को देखो। इस चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचे जो इसे दो सममित हिस्सों में बांटती है। सममित रेखा के दोनों तरफ की आकृतियां समान हैं। आप ऐसे कुछ और चित्र सोचिए। चित्र 11 देखिए। यहां सममित रेखा क्षैतिज है जिसके दोनों ओर पक्षी का चित्र समान है। इसे रैखिक सममिति कहते हैं। क्या इन चित्रों में कोई और भी रेखा खींची जा सकती है जो इन्हें सममित हिस्सों में बांटे?